नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जप्रोस टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं तो पेनी शेयर आपको भी अट्रैक्ट करते होंगे हमारी तरह, और ये पेनी शेयर्स में थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए। जैसे हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं कभी, या कभी खाना खाने बाहर जाना होता है, नहीं गए तो उतना 1000-2000 जितने बच गए वो लगा सकते हैं हम। लेकिन कई बार ये बहुत बड़े मल्टीबैगर भी बने हैं, हिस्ट्री गवाह है। अगर आप हिस्ट्री की प्राइस लिस्ट उठा के देखेंगे शेयरों की हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे टाइटन है जो ये 3 रुपये से बड़ा, और आइशर मोटर है, बजाज ऑटो है, जो आज बहुत बड़े बड़े मल्टीबैगर हैं, ये कभी ना कभी पेनी शेयर ही थे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसमें भी इनकम है, लेकिन ये चलते 10 में से 8 नहीं चलते। जो 2 चलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत पैसा भी देके जाते हैं, और बहुत सारे हमारे शेयर चले भी हैं जैसे हमने बताए हैं। तो दोस्तों, आप इसके अंदर पेनी शेयर्स में एक और प्रॉब्लम होती है, ये पंप एंड डंप का शिकार हो जाते हैं। इसमें ऑपरेटर जा जाते हैं, मैनिपुलेटर जा जाते हैं, और ये जो मैनेजमेंट होती है कई बार अपनी मर्जी से प्लांट करवा देती है न्यूज़ पेपर्स में या कहीं भी। हम लोग तो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए थोड़े से पैसा इसमें कम लगाना चाहिए और स्वयं से जांच इसके फंडामेंटल्स की जरूर कर लेना चाहिए। आज जो हम आपके लिए शेयर लेके आए हैं वो फंडामेंटली हमें किसी भी तरह कम नहीं नज़र आता, और पुरानी कंपनी है, उसने पहले भी एक बार बोनस भी दिया है 2012 में, उसके बाद नहीं दिया कभी, और उसके जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ दिनों से उसके अंदर बहुत तेज़ी देखी जा रही है। शुक्रवार को जब मार्केट बहुत डाउन थी तब भी वह 16% जंप कर गया, तो उसका वॉल्यूम भी कई गुना बढ़ गया। तो इन सबको देखते हुए हम आज उस आपके लिए वो शेयर लेके आए हैं, उसके दाम 50 रुपये से भी कम है। तो आप पूरा ज़रूर वीडियो देखिए, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए देखिए। सभी शेयर तो कोई भी नहीं खरीद सकता, आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होगी, आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होगी, आपको दूसरे शेयरों को कंपेयर करना आसान होगा। तो दोस्तों, पूरा ज़रूर देखिए। थोड़ा देखने से क्या है कि ना तो ज्ञान होता आपको पूरा कि हमने क्या कहा है लास्ट तक। चलिए, खैर, एनी हाउ, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी टीम का हार्ड वर्क भी अच्छा लगता है तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं दूसरों, सभी की तरह हमें भी अप्रिशिएशन अच्छी लगती है। वी आर नॉट एक्सेप्शन टू जनरल। और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने कुलीग्स में व्हाट्सएप पर। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर पर हम चर्चा करेंगे। यह 1984 की पुरानी कंपनी है। नॉर्थ ईस्ट कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड परिवहन के व्यवसाय में है। NECCL भारत में 250 प्लस शाखाओं के साथ माल अग्रेषण, रसद और माल परिवहन एजेंसी व्यवसाय में है। यह एक स्वचालित ERP आधारित सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित माल प्रबंधक और अनुकूलित रसद समाधान प्रदान करता है। इसके पास एयर कंडीशन्ड गाड़ियां भी है। कंपनी छोटे पार्सल, पूर्ण ट्रकलोड, खेप परियोजना, खेप और ODC बुक करती है। ग्राहक है बजाज ऑटो, मिंडा इंडस्ट्रीज, LG, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हावेल, गोडरेज, केविन क्रे, वाश, टाटा स्टील, फिनोलेक्स, HUL आदि। इससे बढ़िया ग्राहक तो क्या होंगे कंपनी के पास। वैसे ही हमारी किस्मत ख़राब हो, भाई ये फ्रॉड ही निकल जाए, वो तो एक अलग बात है। अदरवाइज जिसके लिए स्ट्रेन ग्राहकों की है, सूनर और लेटर तो ये बढ़ेंगे ही शेयर। माल ढुलाई से 95%, लोडिंग अपलोडिंग से 3% और वेयर हाउसिंग से 2%,
रिटर्न आती है, इसकी बिजनेस आता है समझ लो या रेवेन्यू आता है। कंपनी के ब्रांच ग्राहकों से ही 40% तक का रेवेन्यू आ जाता है। ऑर्डर बुक है 7 दिसंबर 2023 को कंपनी के 3 साल की अवधि के लिए 52.48 करोड़ का एक अनुबंध मिला है। यह परिवहन के लिए गेल से, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिला है। अच्छा, बड़ा है, बहुत छोटी कंपनी है, 52.48 करोड़ का। मार्केट कैप 343 करोड़ है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप। 52 वीक हाई एंड लो 37 और 18 रुपये है, आज के दाम 36 रुपये हैं। पी 42 है, सेक्टर पी की बात कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग उसी पे मिल रहा है। जब इतनी छोटी कंपनी का क्या कंपेयर करेंगे हम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.38% है, अभी ग्रो कर रही है कंपनी, बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.37% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। मिसलेनियस कैटेगरी उद्योग है, इसके कंटेनर कॉरपोरेशन, TVS सप्लाई चेन, इसके आप कंटेनर कॉरपोरेशन तो PSU है, बहुत बड़ा यूनिट है वो तो, लेकिन फिर भी इसको उस कैटेगरी में रखा है। TVS सप्लाई चेन भी अच्छा खासी कंपनी है, कंपनी लगातार अच्छे परिणाम दे रही है। क्वार्टर 4 FY24 में नेट प्रॉफिट 2.86 करोड़ हो गया, जो क्वार्टर 4 FY23 में 1.12 करोड़ था, लगभग 155% की। अभी भी उम्मीद है कि अच्छी तिमाही देगी कंपनी। कैपिटल 95 करोड़ है, रिजर्व 99 करोड़ है, बोरिंग 103 करोड़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है बोरिंग उस हिसाब से जिस तरह का इसका बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट भी है 5 करोड़ की। कैश फ्लो प्लस 13 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है, अच्छा है। प्रमोटर्स के पास 52.68% इक्विटी है, अच्छी ठीक है। FII 0.15% है, इतनी छोटी कंपनी में फिर भी FII की एंट्री है तो अच्छी बात है। पब्लिक 47.17% है, एक वर्ष में 82% का रिटर्न दिया है और 5 वर्ष में 650% का रिटर्न है। 35 रुपये दाम है, गिरते बाजार में वॉल्यूम बढ़ रहा है। आगे आपने देखा होगा कि शुक्रवार को इसने 16% की तेजी दर्ज की है, शुक्रवार लास्ट ट्रेडिंग डे था जो उसमें, और बाजार के जानकर जल्दी 40 रुपये होने की बात कर रहे हैं। एक साल का लक्ष्य 100 रुपये तक भी दे रहे हैं बाजार के जानकर। और हमारा ये कहना है कि इसकी में कोई कमी तो नज़र नहीं आती आज के दिन, हाँ कोई मैनेजमेंट ही गलत निकल जाए, वैसे तो मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस्ड है, 1984 से है इस काम में, और कंपनी प्रॉफिट में अच्छे खासे, अच्छी प्रमोटर होल्डिंग भी है, अच्छे ग्राहक हैं, तो किसी भी लिहाज से हमें नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। हो सकता है कि इसकी ग्रोथ उस तेज़ी से ना बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली ये अच्छे पैसे देगा। ये 100 रुपये जो किसी ने भी इसके लक्ष्य दिया है, हम इससे सहमत हैं। आप कोई भी निवेश करने से पहले स्वयं से जांच कर लें और वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। तो दोस्तों, आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपका शुक्रिया और थैंक यू सो मच।